पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विद्यालय कब से खुलेगा? और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है। डायल 112 की व्हाट्सएप नंबर पर धमकी दी गई है। शनिवार को धमकी भरा मैसेज आया था। सुशांत गोल्फ में एफआईआर दर्ज हुई। आगरा से 14 वर्षीय किशोर गिरफ्तार हुआ है। युवक को फिलहाल पूछताछ के लिए लखनऊ लाया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी भरा मैसेज मिला था शनिवार को डायल 112 के जरिए, और 14 वर्षीय एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है आगरा से। फिलहाल किशोर को पूछताछ के लिए लखनऊ लाया गया है। 14 वर्षीय नाबालिग जिस पर धमकी देने का आरोप लगा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। शिवा शर्मा हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवा, 14 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार किया गया है आगरा से, जिसे लखनऊ पूछताछ के लिए लाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने का आरोप लगा है एक नाबालिग बच्चे के ऊपर। शनिवार को 112 डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया था, और मैसेज एक मोबाइल नंबर से आया था, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक उनके नाम पर एक अपशब्द भरा मैसेज था और धमकी भरा मैसेज था। जब इस पूरे बात की सूचना पुलिस महकमों लगी तो आनन फानन में सुशांत गोल सिटी पर एक नंबर के खिलाफ FIR दर्ज हुई छाछठ IT एक्ट के तहत। उसके बाद ही तुरंत पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक टीम गठित की गई जो उस नंबर की तलाश कर रही थी, और सर्विलांस के आधार पर वो नंबर आगरा जिले में एक्टिवेट बताया जा रहा था। यहाँ से एक पुलिस टीम आगरा पुलिस की मदद से वहां पर एक घर पर पहुंची है, और 14 वर्षीय किशोर को एक छात्र को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल आज सुबह ही पुलिस उस छात्र को लखनऊ लेकर के पहुंची और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस के अफसरों द्वारा कहना यही है कि जिस नंबर से मैसेज दिया गया था वो मोबाइल, वो सिम उनके पास में है, जिस नंबर से धमकी मिली थी जो उसका मोबाइल यूज करता था वो 14 वर्षीय किशोर है जो एक छात्र है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ये अफसर द्वारा कहना है कि अभी उससे पूछताछ की जा रही है कि जो मुख्यमंत्री को अपशब्द भरा जो मैसेज था वो उस युवक ने ही भेजा था, वो छात्र ने भेजा था या किसी और ने भेजा था। एक ये भी बात है कि अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है या उसमें कुछ धमकी भरे मैसेज किया गया है तो उसकी मंशा क्या थी, या एक मंशा अगर उसकी जानबूझ करके थी तो उसको जरूर कहीं ना कहीं एक न्यायिक हिरासत के तहत उसको एक सजा मिलेगी। लेकिन अगर सोची समझी साजिश और इस तरीके की अगर बात कहीं आती है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की भी बात होगी। बड़ी बात है, मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी अमूमन पहली बार नहीं है। कई बार डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर इस तरीके के धमकी भरे मैसेज आ चुके हैं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों से इस तरीके के मैसेज आते रहे, और पुलिस उस पर उन लोगों को गिरफ्तार करती रही है जो उस मोबाइल नंबर से मैसेज करते थे। अब ये देखने वाली बात होगी जो नाबालिग किशोर पुलिस के हिरासत में लिया गया है वो उसने मुख्यमंत्री को किस तरीके का मैसेज जो भेजा था वो उसने खुद ही भेजा था या इसके पीछे कोई और था। फिलहाल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन टीम पूरी पड़ताल कर रही है। पुलिस कमिश्नर खुद ही कुछ देर में सुशांत गोल सिटी थाने जाएंगे और छात्र से बातचीत करेंगे, और ये जरूर पता लगाने की कोशिश करेंगे जो उसने मैसेज भेजा था वो उस मैसेज को भेजने की मंशा क्या थी, या लिहाजा उसने अकेले ही किसी बात को लेकर के इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया और मैसेज भेज दिया, या उसके साथ कुछ और लोग थे। तो इस पूरे मामले की फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो होगी ही। फिलहाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि 24 घंटे के भीतर उसने उस छात्र को हिरासत में ले लिया है जिसने उस 112 के व्हाट्सएप नंबर पर उस मैसेज को भेजा था मुख्यमंत्री के खिलाफ। बिल्कुल शिवा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।